हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दही सूजी और वेजिटेबल मिक्स, स्पॉन्जी सॉफ्ट मुलायम इडली। इसको हम कैसे बनाए हैं इसे आपको हम दिखाते हैं। और ये देखिए, हमारा इडली बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मुलायम बन के तैयार हुई है। और इसके साथ ये चटनी भी हम बनाए हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम सबसे पहले गैस पर रखेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे एक छोटी कटोरी मूंगफली चटनी बनाने के लिए। मूंगफली को हम उतना ही तलेंगे, सिर्फ उसका कच्चापन निकालना है। इसको बिल्कुल अच्छे से इसे आपको नहीं तलना है, तो इसका कच्चापन निकालने तक इसे हम तल लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी मूंगफली पक गई है। अब हम लिए हैं ये एक शिमला मिर्च कटा हुआ, और बारीक कटा हुआ एक टमाटर है, और ये है धनिया की पत्ती, ये दो कटी हुई हरी मिर्च है, और ये प्याज है। तो दोस्तों, हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं, और तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे राई, राई का तड़का लगाएंगे इसमें, और फिर कटे हुए हरे मिर्च को डालेंगे। और ये है हमारे पत्तियों को हम डाल देते हैं, और इसमें हम कटे हुए प्याज को डाल देंगे। ये कड़ी पत्ता का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसमें हम कटे हुए शिमला मिर्च को डाल देंगे। इसको भी हमें अधपका ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, किसका कच्चापन हट जाए। और इससे इडली बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनती है। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर को भी डाल देंगे, उसको भी हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लेते हैं। इस तरह से इसे आप चला के 2 मिनट के लिए इस तरह से चला लें, और अधपका करके इसे आप ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो ये देखिए, हमारा टमाटर, शिमला मिर्च, ये सब अधपका हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, और इसे ठंडा होने तक रख लेते हैं। और ये एक बाउल में हम एक कटोरी सूजी लिए हैं, और छोटी कटोरी दही लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर, जो भी आप कहें। इसमें आधा चम्मच हम नमक को डालेंगे, और इसमें हम कटी हुई धनिया की पत्ती को भी डाल देते हैं। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए दोस्तों। इसे आप घर पर बनाइए, नाश्ते में बहुत ही टेस्टी होता है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो इसमें अभी हमें थोड़ा और पानी डालना है। इसका फ्लेवर थोड़ा सा और, मतलब हम इसको अच्छे से फेंटेंगे ताकि ये अच्छे से हमारी सूजी फूल जाए। तो इसमें थोड़ा पानी और डालते हैं। आप इसे अच्छे से मिक्स कर ले चम्मच से। बैटर हमारा बहुत ना गाढ़ा होना चाहिए और ना ही एकदम पतला हो। आसानी से चम्मच से उठ के इडली के सांचे में इसको हम रख लें, ताकि इसका एक आकार बन जाए। तो इस तरह से हम इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देते हैं। और हम बनाने जा रहे हैं चटनी। तो ये हमारी भुनी हुई मूंगफली है, इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे, और 2 हरी मिर्च डालेंगे, एक कटा हुआ धनिया है इसको डालेंगे, और कुछ लहसुन की कलियां हैं इन सबको, और इसमें हम थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं। इन सबको हम सिलबट्टी पे अच्छे से पीस लेते हैं। आप मिक्सी जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं। जिसके पास मिक्सी जार नहीं है तो इसे इस तरह से सिलबट्टी पर अच्छे से पीस लें।
बिल्कुल महीन नहीं, इसको पीसना है, थोड़ा हल्का दरदरा। तो ये देखिए हमारी चटनी भी अच्छे से तैयार हो गई है। और ये जो हम बना के रखे थे दही और सूजी का बैटर, इसको देखते हैं अच्छे से फूल गया है। अब इसमें हम जो सब्जियों को ठंडा होने के लिए रखे थे वो अच्छे से ठंडे हो गए, इसे भी ऐड कर लेते हैं। और इस तरह से पकाने से दोस्तों इसका स्वाद कुछ अलग ही आता है और बहुत अच्छा बनता है। हम कच्चे भी डाल के बनाए हैं, पर उससे ज़्यादा अच्छा हमको इसको पका तल के डालने से इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सारे सब्जियों को हम इसमें ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये हमारा दही और सूजी का नाश्ता आपको कैसा लगा, इसको आप हमारे कमेंट में जाके कमेंट करना और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और हम अब रख रहे हैं इडली का सांचा, इसमें हम छोटे साइज एक गिलास पानी डालेंगे। तो पानी हमें कम लग रहा है, इसके अनुपात में थोड़ा हम और डाल लेते हैं। और इसमें हम दो बूंद सरसों का तेल गिराएंगे। और ये हमारा इडली का सांचा है, इसमें हम घी या रिफाइंड ऑयल जो भी हो आपके पास अवेलेबल उसको आप लगा सकते हैं। सरसों का तेल लगाने से थोड़ा इडली हमारी पीली दिखती है, बाकी लगाना हो तो आप लगा सकते हैं डेली खाने के लिए। तो इस तरह से आप सांचे में अच्छे से बराबर से गोल आकार दे करके रख लें। और बहुत ही झटपट अगर आपके यहाँ मेहमान आएंगे तो आप झटपट में इसे बना सकते हैं दोस्तों। और प्लीज़ एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाना। ये देखिए सारे बैटर को हम अच्छे से इसमें रख लेते हैं। और ये हमारा पानी बॉयल हो रहा है, इसमें हम दोनों प्लेट को रख के ढक्कन बंद कर देते हैं। और अब हम चल रहे हैं मूंगफली की जो चटनी बनाए थे उसमें हम उसको हम फ्राई करेंगे। तो गैस पर रख रहे हैं कलछी और इसमें हम घर का सरसों का तेल डाल रहे हैं। और ये है राई, इसको हम डालते हैं। और इसमें हम डालेंगे, देखने भी उसका लुक भी अच्छा होता है और सुगंध भी अच्छी आती है। तो दो चार लहसुन की कलियां ही डाल देते हैं दोस्तों। और ये कढ़ी पत्ता भी इसमें हम डाल लेते हैं और दो लाल मिर्च है उसको ऐड करेंगे इसमें। और आधा चम्मच से कम जो मिश्रण गरम मसाला आजकल बाज़ार में मिलता है उसको आप डालेंगे तो स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है। इसको आप अच्छे से पका के चटनी में आप डाल दीजिए। और देखिए क्या लाजवाब चटनी बन के रेडी हो गई है। अब आप इसे चम्मच से बराबर से मिक्स कर लें और इसका स्वाद तो क्या पूछना, बहुत ही टेस्टी इसका स्वाद होता है। अब इसमें हम और भी स्वाद बढ़ाने के लिए नमक तो डालना ही पड़ेगा, अब आप उसको भी अच्छे से ऐड कर लो। तो मेहमान तो पूछेंगे भाई ये चटनी कैसे बनी है। कभी कभी हम इसको हम अगर ज़्यादा बनाना है तो कढ़ाई में इसका छौंका लगा देते हैं। और ये देखिए हमारी स्पंजी सॉफ्ट मुलायम इडली कितनी अच्छे से फुल के रेडी हो गई है। इसको हम चेक करते हैं, देखिए तो इडली हमारी एकदम सॉफ्ट फुल के तैयार हो गई है। अब इसका ढक्कन हम बंद कर देते हैं और गैस को ऑफ करते हैं। एक मिनट के लिए इसे ठंडा होने तक के लिए इसे रख देते हैं। इधर हमारी चटनी हम एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब एक पेपर का टुकड़ा लें क्योंकि इसमें से भाप निकल रहा है, काफ़ी गर्म है ये पानी। उसके सहारे हम पकड़ के सारे प्लेट को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप आराम से प्लेट को बाहर निकाल लें और इसे कम से कम एक मिनट के लिए ठंडा होने दें। तुरंत आप निकालेंगे तो इसका आकार बिगड़ जाएगा। कितनी भी अच्छी हमारी ये इडली पकी हो तो ये देखिए हमारी इडली ठंडी हो गई बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए तली में ज़रा सा भी नहीं चिपका है।
इस तरह से आप इसे निकाल लें और एकदम बेस्ट बेहतरीन हमारी इडली बनके तैयार हुई है। स्वाद भी पूछना नहीं है। ये देखिए हमारा इडली रेडी हो गया है। अब आप इसे देख के समझ सकते हैं कितनी सॉफ्ट मुलायम ये बनके रेडी हुई है, जालीदार। उसमें सारे मसाले को पका देने के कारण सब्जियों को अच्छे से इसमें ऐड हो गया, ऊपर ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। स्वाद भी बहुत ही अच्छा इसका लगता है दोस्तों। और आप इसको चटनी के साथ सर्व करें तो कैसा लगा ये हमारा नाश्ता, आप हमको ज़रूर कमेंट करना और अपने घर पर आप इसे ज़रूर बनाना दोस्तों। ये देख लीजिए, आपको हम फिर से दिखा रहे हैं, सॉफ्ट बनके रेडी हो गया है मुलायम और बिल्कुल समय नहीं लेता है दोस्तों। और ये हमारी चटनी, तो कैसा लगा हमारा ये आइटम, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।